Friends, the projectile motion refers to the motion of an object that is projected into the air and moves under the influence of gravity. तो आज हम इस पे बात करेंगे और सिमुलेशन से देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है. सबसे पहले कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन होता है वो एयर के एब्सेंस में इंडिपेंडेंट होता है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण लगातार चेंज होती रहती है. और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्रेविटी है इसके कारण जो एक्सेलरेशन लगभग 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अर्थ की डायरेक्शन में होता है. इन दोनों मोशंस के कारण जो पाथ होता है वो पैराबोलिक हो जाता है और पूरे मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अगर हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता चले जाता है. इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो कि रेंज कहलाता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन फ्लाइट टाइम को डिसाइड करता है, क्योंकि वो ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट नीचे आके जमीन पे गिर रहा होता है और ये हाइट पे डिपेंड करता है. तो इन दोनों को हम समझने के लिए सिमुलेशन में यहाँ देख सकते हैं.